गधे क्या यार, ऐसा हो रहा था आज, सवारी आ रही थी हमसे बात कर रही है, दूसरा लेके जा रहा है भाई, गुस्सा आ गया है यार। दो तीन लोगों से झगड़े हो गए, तब जाके लोगों को डर लगा, गाड़ी पे आना बंद किया। उसी में थोड़ा सा टाइम हो गया, मैडम गुस्सा हो गई, दो तीन डायलॉग बड़े तगड़े तगड़े वाले, जिस दिन तुमको जल्दी आने की बोलो उस दिन जानबूझ के देर करते हो। गुस्सा हो के फूली फूली घूम रही है यार, डर लग रहा है कि झगड़ा ला हो जाए। तो हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 7 बजे हैं आज, और भी जल्दी हो गया भैया रेडी, तो निकल रहे सुबह सुबह मथुरा जंक्शन के लिए। और मौसम भाई एकदम चिल्ड हो रखा है, कल दोपहर तक गर्मी रही थी, उसके बाद में बूंदाबांदी हुई, हल्की सी बरसात हुई, लेकिन बादल जैसे के वैसे ही रह गए। तो भाई मौसम चिल्ड हो गया आज, हवा भी चल रही है, धूप भी नहीं है, तो आज मज़ा आने वाला है। वैसे सोमवार है, सोमवार का काम के मतलब से बहुत हल्का रहता है, लेकिन फिर भी ऐसे मौसम में काम करने का मज़ा ही अलग है। तो इस मौसम का फ़ायदा उठाते हैं और बंसी वाले से दुआ करते हैं कि सुबह सुबह एक दो चक्कर लग जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो जल्दी से निकल चलते हैं, तो अपना दिन और अपना ब्लॉग दोनों शुरू करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना, प्लीज़ करना। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और भाई गाड़ी की साफ़ सफाई कर लेता हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बारिश हो रही है कल से, सारी की सारी गाड़ी में देखिए धूल मिट्टी जो जहाँ थी वहीं जम गई है, इसको साफ़ करता हूँ फिर निकलते हैं। निकल के जा रहा था, ऐसी दौड़ लगाई है, तीनों की तीनों मर जाएं। ये देखिए गाड़ी में ऐसे घुस पड़ती हैं, मरने से डर नहीं लगता। और तू क्या कर रही है भाई? रे भाई इन लोगों से कैसे पीछे चढ़ाऊं मैं? सीधी बैठ जा, मैं फेंक दूंगा गाड़ी से बाहर, सीधी बैठ। भाई साहब एकदम से चुपचाप शांति में निकल के जा रहा था, तीनों की तीनों खेलने में लगी हुई थी, और जैसे ही रिवर्स की तो रिवर्स करने में इससे आवाजें आती है गाड़ी से, इन्हें पता चल गया और भाग के आ गई। चलो मरो घर पे, निकल लो निकल लो निकल लो जल्दी, बाय। हाँ चीज ले गया, जाओ निकलो। हाँ हाँ निकलो गाड़ी पे, तो इतना ध्यान रहता है इन लोगों का, निकलते ही पता चल जाता है कि जा रहे। तीनों की तीनों अंदर कमरे में खेल रही थी, मैं चुपचाप से निकल आया और पता चल गई। और ये देखिए गाइस हमारे मोहल्ले का मौसम कितना अच्छा हो रखा है, सॉरी मोहल्ले क्या क्या पूरे मथुरा में भाई मौसम मस्त हो रखा है। हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बादल हो रखे है, सुबह सुबह जो धूप निकल आई थी आज वो कुछ भी नहीं है, तो मजा आएगा काम करने में। धूप निकलने से पहले कोशिश करूंगा एक दो चक्कर लग जाए, बाकी सब बंसी वाले के हाथ में है। दोस्तों बड़ी मुश्किलों से वृंदावन का चक्कर लगाया भाई, दो तीन लोगों से झगड़ा होने के बाद में यार ऐसा हो रहा था आज, सवारी आ रही थी हमसे बात कर रही है, दूसरा लेके जा रहा है भाई, गुस्सा आ गया है यार। दो तीन लोगों से झगड़े हो गए, तब जाके लोगों को डर लगा, गाड़ी पे आना बंद किया, तब सवारी लेके वृंदावन आया हूँ। रोजाना की तरह अटल्ला चुंगी पे खड़ा हुआ हूँ, अब मथुरा के लिए सवारियाँ देखेंगे। सुबह 7 बजे निकल के आया था, बहुत जल्दी निकल आया था, उम्मीद थी कि जल्दी काम मिल जाएगा। वैसे दिल में कहीं ना कहीं था कि सोमवार है, थोड़ा सा दिक्कत होगी काम करने में, पर इतनी ज़्यादा दिक्कत होगी इसका अंदाजा नहीं था। 10:30 बज गए यार इंतजार करते करते, तब जाके पहली सवारी मिली है। किसी किसी दिन जब मुश्किल होती है ना, बहुत ज़्यादा हो जाती है भाई, हद पार हो जाती है, दिल भी जो होना शुरू हो जाता है कि अब करूँ तो करूँ क्या। आखिरकार चक्कर लग गया है, अब जाके शांति सी पड़ी है, ऐसा लगा है कि हाँ कुछ किया है भाई। जब तक जेब में कुछ पैसे नहीं आते ना, बेचैनी लगातार बढ़ती रहती है। चलिए मथुरा के लिए सवारी देखते हैं। दोपहर तक मौसम और दिन के मुकाबले काफी ठंडा था, बादल हो रखे थे, लेकिन आज दोपहर बाद फिर से बारिश हो गई भाई। अभी अभी बारिश बंद हुई है, पूरी की पूरी गाड़ी गीली पड़ी है, पहले इसको सुखाते हैं फिर निकलेंगे।
ये देखिए क्या हाल हो रखा गाड़ी का, पूरी गाड़ी गीली हो रखी है, पानी भर गया है। बड़े पापा। राम 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 राम। ये हाल है भाई, मौसम ने परेशान करके रखा हुआ है, और ऐसे मौसम में भी गाड़ी गीली पड़ी है, इनको चैन नहीं है। मर जाओ जाके, यहाँ कहाँ बैठोगे तुम? ये लो इसकी कसर थी, वो भी आ गई। कहाँ कहाँ बात नहीं करते, बोलेगी कुछ नहीं, सीधी गाड़ी में। गधे की कैसे लगा? घोड़ा कैसे कर रहा? गधा करे तो निकला साहब, ना मैं माल पी लूंगा नहीं। एक जान भाई, अपने पास भी एक मिमिक्री आर्टिस्ट है, अलग अलग जानवरों की आवाज निकालता है। मैं भी जाऊंगा। ए भैया मैं नहीं जाऊंगा। ए जाली मैं भी आऊंगा। भाई काम तो हेली पर ऐसे लोग टाइम पास करवा देते, बढ़िया। बोलिए वृंदावन वाली लाल की जय। चलो गलियों में मंदिर था, 5 मिनट का रास्ता है। दाऊ बाबा का घर है, नंद बाबा का घर है। कान्हा ने माखन मिश्री खाया था, जो श्रद्धा हो ब्राह्मण भोजन के लिए 101 151 वो आप दे देना। ये पंडो के डायलॉग है मथुरा के। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, आज भाई सुबह के टाइम में जितना मुझे सवारी मिलने में दिक्कत हुई थी ना, पहली सवारी मुझे बहुत लेट मिली थी, लगभग 10:30 बजे के करीब में, और भाई शाम के टाइम में बंसी वाले ने एक के बाद एक 2 चक्कर लगवा दिए मेरे लगातार आते के साथ। पहला चक्कर मुझे मंडी चौराहे का मिल गया था, वहां से वापस मथुरा जंक्शन आया तो सीधा मिल गई मुझे वृंदावन की सवारी, चैतन्य विहार फेस 2। सवारी छोड़ के हो गया फ्री, और भाई उधर लगा रखा है पुलिस वालों ने बैरियर, जो प्रेम मंदिर की तरफ जाते थे उस तरफ, तो मैं जा रहा हूँ अटल चुंगी की तरफ, उधर को रास्ता खुला है, तो वहां से सवारी देखेंगे मथुरा के लिए। तो गैस कल मेरा संडे का दिन इतना अच्छा नहीं गया था जितना मंडे का दिन जा रहा है। बंसी वाले ने अच्छी कृपा कर दी आज सुबह भी और शाम को भी, हालांकि सुबह थोड़ी देर हुई थी सवारी पकड़ने में, लेकिन शाम को भाई धड़ाधड़ 2 चक्कर हो गए कोटा पूरा। अब बस यहाँ से कुछ मिल जाए ना तो मजा आ जाए, वो कहते ना सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो गाइस फाइनली भाई आज का दिन खत्म होने को जा रहा है, रात के 8:30 बज चुके हैं, वृंदावन से सवारी लेके मथुरा जंक्शन पे आ चुके हैं, और मथुरा जंक्शन का कुछ ऐसा माहौल है। तो अपना दिन क्लोज करते हैं, घर चलते हैं, घर पे क्या बनाया है मैडम ने। वैसे भी आज सोमवार है, हमारी अंजलि और हमारी मैडम गीता जी दोनों के दोनों व्रत रहते हैं, तो उनकी कॉल आ रही है कि घर पे जल्दी आ जाओ, आज जल्दी से खाना खा लेना, तो भाई उनकी इज्जत करते हैं। और वैसे भी बंसी वाले ने आज का दिन अच्छा कर दिया है मेरा, सुबह भी 1 चक्कर वृंदावन का लग गया था, शाम के टाइम में भी लग गया, 2-3 चक्कर नोकल के लग गए थे, पर ठीक ठाक काम हो गया है। तो निकलते हैं घर के लिए, देखते हैं घर पे कैसा माहौल है, और मैडम को कुछ करते हैं, जल्दी जाते हैं थोड़ा सा, 8:30 बजे हुए, आधे घंटे बाद जाओ तो भी कुछ नहीं होना है, यहाँ पे खड़े रहो तो भी कुछ नहीं होना, घर चलते हैं। दोस्तों मुझे नहीं पता है कि मेरी जैसी जिंदगी आप में से कितने लोग जीते हैं। मैं जब मथुरा जंक्शन पर था आपको बता रहा था कि आज हमारी अंजलि और हमारी मैडम जी दोनों की दोनों सोमवार का व्रत रहती हर सोमवार को, मैडम के कॉल आ रहे थे जल्दी से घर आ जाओ, और मैं और दिन के मुकाबले 1/2 घंटा पहले ही 8:30-9 बजे घर आ गया था, लेकिन थोड़ी सी कमी है यार मेरे अंदर, आते ही मोबाइल लेके बैठ गया, अपना स्टेटस वगैरह चेक करने में, जो इंस्टाग्राम वीडियोस हैं उन सबको चेक करने में लग गया, चैनल का भी पोजीशन देखना चाह रहा था, उसी में थोड़ा सा टाइम हो गया, मैडम गुस्सा हो गई, 2-3 डायलॉग बड़े तगड़े तगड़े वाले, जिस दिन तुमको जल्दी आने की बोलो उस दिन जानबूझ के देर करते हो, गुस्सा हो गया, फूली फूली घूम रही है यार, डर लग रहा है कि झगड़ा ला हो जाए, मैं तो जल्दी आया था इसीलिए। और हाँ गाइस एक चीज़ मुझे याद आ गई है, वैसे मैं भूल जाता हूँ अक्सर टाइम पे, और एक वजह मेरी ये भी है कि कई लोग मुझे कमेंट करते हैं ना, तो आपको पता ही है मैं रोज़ाना शाम को 6 बजे अपना वीडियो अपलोड करता हूँ, तो जो दिन भर का मेरा ब्लॉग होता है अगले दिन का वो पूरा कम्प्लीट हो चुका होता है, तब तक आपके कमेंट आते हैं, तो अगले वाले वीडियो में आपके कमेंट्स के जवाब इसलिए नहीं मिल पाते, हालांकि मैं दूसरे वाले वीडियो में देने की कोशिश करता हूँ। तो एक भाई है मेरे को लगातार कमेंट कर रहे हैं, वो मथुरा आना चाह रहे हैं घूमने के लिए, और आज के वीडियो पे जो कमेंट किया है तो वो बोल रहे हैं कि भैया हम सुबह 8 बजे तक आएंगे, वो भी यमुना एक्सप्रेस वे पर उतरेंगे, वहाँ से मैं उनको पिकअप करके
मथुरा लाके या वृंदावन लाके छोड़ सकता हूँ या नहीं छोड़ सकता हूँ? तो भाई साहब, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं छोड़ सकता हूँ, लेने भी आ सकता हूँ, सारे काम हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। अगर मैं मथुरा से आपको राया कट लेने के लिए जाऊँगा तो मथुरा से राया कट के आपको जो चार्जेस हैं वो भी लग जाएंगे, फिर वहाँ से वापस लाने के वो भी चार्ज लग जाएंगे। तो आपकी इच्छा है, अगर आप मुझे बुलाना चाहें तो मैं वहाँ आ सकता हूँ, आपको ले सकता हूँ और वापस ला के छोड़ सकता हूँ। अगर आपको ये महंगा लगता है तो आप वहाँ से उतरिए और वहीं पे भारी आपको ऑटो वगैरह मिल जाएंगे। तो जैसी आपकी श्रद्धा हो कि वृंदावन में रुकना है या मथुरा में रुकना है, जैसा भी रुकना चाहें वहाँ के लिए ऑटो पकड़ लीजिएगा। अगर आप स्पेशली मेरे से ही मिलना चाहते हैं या मुझे ही बुलाना चाहते हैं, मिलने की कोई भी बात नहीं, आप जब चाहो जब मिल सकते हो, आपका भाई एवर रेडी है। आप वृंदावन में रुकेंगे तो मुझे कॉल कर देना, कभी अगर मेरा वृंदावन चक्कर होता हो, जो कि रोजाना होता ही है लगभग, तो मैं वहाँ आके मिल सकता हूँ आपको। और भाई, अगर लेने और लाने वाला काम करवाएंगे तो उसके पैसे होंगे। और जमुना एक्सप्रेस में जाना मतलब 300 रुपये, ये मैं अपनी तरफ से आपको कम बता रहा हूँ, वरना 350-400 रुपये लेते हैं हम लोग मथुरा जंक्शन से यमुना एक्सप्रेस में जाने के, जो राय वाला कट है। 300 भी जेनुअन है, ज़्यादा नहीं है। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो मथुरा जंक्शन से, वो आगे कितने होते हैं। तो भाई, ये खर्चा आपको 300 उधर 300 इधर, तो मतलब 600 रुपये हो गए, डबल पैसे खर्च करने होंगे। फिर भी आपकी इच्छा है मुझे बुलाने की तो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे दिया, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बाकी कोई हेल्प चाहते हो तो वो भी कर दूंगा, ऐसा नहीं है कि आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो मेरे साथ ही घूमना है या मेरे साथ ही रहना है, आप जिसके साथ चाहे वैसे। अगर कोई अदर हेल्प चाहिए उसके लिए भी आपका भाई बैठा हुआ है, आप कॉल कीजिएगा, जितनी हो सकेगी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। और बस वैसे भी 3-4 लोग हैं जो लगातार घूमने की मेरे से बातें कर रहे हैं, अब मुझे नहीं पता है कि वो एक ही बंदे हैं, क्योंकि आईडी सबकी अलग अलग है, अलग अलग नाम से कमेंट आ रहे हैं। एक भाई रात को 2:30 बजे आने की बोल रहे हैं, एक भाई सुबह 7 बजे आने की बोल रहे हैं, अभी ये भाई हैं जो सुबह 8 बजे यमुना एक्सप्रेस पे उतरने की कह रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, पहले तो ये बताइएगा कन्फर्म करके, आप एक ही बंदे हो जो कमेंट कर रहे हो अलग अलग आईडी से, या फिर बाकी में सारे लोग अलग अलग हैं? तो जैसा हो उसमें बता दीजिएगा, मैंने नंबर आपको प्रोवाइड कराई दिया है, तो कॉल कर लीजिएगा। जो भी होगी हेल्प वो मैं अपने दिल से करने की कोशिश करूंगा, दगा नहीं दूंगा, आपको धोखा नहीं दूंगा, और जो भी कंडीशन होगी सारी बता दूंगा। वैसे उन्होंने एक सवाल और किया है कि मथुरा में रुकने में फ़ायदा है या वृंदावन रुकने में फ़ायदा है। अगर आप खाली वृंदावन घूमने आ रहे हो तो वृंदावन से अच्छी जगह नहीं है कोई भी, आप वृंदावन रुकिए, आराम से घूमो फिरो और फिर वापस निकल जाइए। अगर आपको पूरा मथुरा वृंदावन गोकुल करना है, जैसे मथुरा हुआ, वृंदावन हुआ, गोकुल हुआ, नंदगांव बरसाना हुआ, तो उसके लिए मैं सजेस्ट यही करूँगा वृंदावन की बजाय मथुरा रुकेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मथुरा बीच में है, एक तरफ को वृंदावन है, दूसरी तरफ को गोकुल है, और तीसरी तरफ को नंदगांव बरसाना और गोवर्धन है। तो जैसा भी हो आप कॉल कर लीजिएगा, मैं सारी जानकारी आपको दे दूंगा, पैसे से लेके जो भी हो वो। और आप चाहो जितने लोगों से ट्राई कर सकते हो, जिसके पैसे आपको जेन्युइन लगे उसके साथ घूमिएगा। और कुछ रह गया क्या? अब तो ही गया होगा। और गाइस, मैडम गुस्सा हो रखी हैं, तो जल्दी से खाना पीना खाते हैं और इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।